बड़ा धमाका है। ऐसे ही है ना, क्या स्टाइल है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? ये देखें जी, इनकी जिद है कि इन्होंने भी हेल्प करानी है। ये छोटी मखलूक, ये देखें जी, क्या बात है, क्या स्टाइल है। और जी आज इफ्तारी है और इसके लिए यहाँ पर कुकर में रख दिए हुए हैं वाइट चने बॉईल होने के लिए। आलू यहाँ बॉईल हो रहे हैं, प्याज कट रहा है और यहाँ पर अब बनेगा पकौड़ों का मसाला। ठीक है, तो रहिए साथ साथ और गंध को इग्नोर करें जो इस टाइम बचा हुआ है। और इस छोटी बच्ची को देख लें, ये बहुत हेल्प कराती है। वो चलें जी, बस अब भल्लों का मसाला भी बना लेते हैं और बैटर बना लेती हूँ। उसमें बेसन लूँगी, नमक लूँगी, ज़ीरा लूँगी, ब्लैक पेपर लूँगी और मीठा सोडा लूँगी। तो उसको बस अच्छे से बीट करके तो मैं बस रख दूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना फ्रूट ट्राइफल भी बना लूँ। तो उसके लिए सबसे पहले कस्टर्ड बनाऊँगी। तो बस अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी जी को, सास को। तो जब प्रेशर कुकर चलता था ना, तो मैं अगर वो काम कर रही होती थी और प्रेशर कुकर चल रहा था तो वो कहती थी मेरे सर के ऊपर तुम बॉम्ब चला गई हो और ख़ुद बाइट चली गई, और मुझे ख़ुद भी बहुत डर लगता है। तो बहरहाल जी, तो इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। कस्टर्ड बनाना सबको आता है, तो बस इसको मिक्स किया है। तो बस जब ठीक हो गया तो बस मैंने फिर क्या उसे कहते हैं कस्टर्ड जो पाउडर था वो अमाउंट के अकॉर्डिंगली ही बस मैंने ऐड कर दिया था। मुझे थोड़ा सा ना कम पतला लग रहा था, तो फिर बस मैंने उसके अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर और ऐड किया और बस उसको अच्छे से मिक्स किया। और तो बस वो जब गाढ़ा हो गया और पक गया तो बस उसको फिर जो है हम लोगों ने चूल्हे पे से उतार लिया। और नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि इसको जल्दी से ठंडा करो ताकि इसकी जल्दी से सेटिंग कर दें, क्योंकि इसकी लेयरिंग करनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है कस्टर्ड ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने फ्रूट केक ले लिया था, तो ये ऐड किया। फिर उसके ऊपर वही जो लेयरिंग करते हैं डिफरेंट, फिर कस्टर्ड की लेयर, फिर फ्रूट की लेयर, और बस आप देखें। और आप भी अपने अजीज़ों को बुलाएं, उनको इफ्तार करवाएं ताकि आपको सवाब मिले। अपने इर्द गिर्द लोगों को दें, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको खिलाएं, ताकि इस रहमत के महीने में हम सब जितनी हम लोग अल्लाह ताला ये रहमतें समेट लें उतना कम है। तो बस इसके लेयरिंग करेंगे। तो बस आप रहें साथ साथ और देखें कि किस तरीके से मैंने फिर ये अच्छा वो तो था कि वो जो हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे थे उनके लिए बाउल बना लिया था। तो बस ये फिर जो है एक घर के लिए बना लिया जल्दी जल्दी से, इसकी मैंने लेयरिंग कर दी थी। फिर इसमें मैंने एप्पल्स भी डाल दिए थे और बनाना भी डाल दिया था और कॉकटेल ऐड कर दिया था। साथ ही छोटे बॉल्स भी बना लिए थे। तो जी बस यहाँ पर मेरे भल्लों का जो मिक्सचर है वो रेडी, और उधर मैंने पानी में शुगर डाल के रख दी हुई थी ताकि वो चीनी जो है ना उसके अच्छे से मिक्स हो जाए। और पालक कर चुकी थी पकौड़ों के लिए। तो बस इसके बाद मैंने फिर भल्ले बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और बड़ी सी एक परात ली और उसमें हम लोगों ने ये फ्रूट चाट कट हो रही है, ताकि ना एंड पे आपको पता है कि जब इफ्तारी का टाइम होता है एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और अगर बांटनी भी हो इफ्तारी और साथ घर में भी इफ्तारी हो ना, तो इतनी हलचल होती है ना कि कई चीज़ें जो है ना वो आपस में कोलैप्स कर जाती है। तो अब हम दही भल्ले बना लेंगे। तो इसमें मैंने भल्ले डाल दिए थे, बूंदी डाल दी थी, आलू डाल दिया था, प्याज डाल दिया था, चने डाल दिए थे, टमाटर डाल दिया था और नमक, चाट मसाला, और साथ मैंने मिंट भी थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया था। तो जी बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी ये हमारे बाउल जो है ये रेडी हो गया। तो बाकी जो हम लोगों ने दूसरे घरों में देनी है तो उसके लिए फिर ये प्रात में से हम लोग निकाल निकाल के देते जाएंगे। तो बस ये हमारे दूसरी चीज़ भल्ले भी रेडी हो गए हैं, ट्राइफल भी रेडी हो गया है, और जो भल्लों का है वो मिक्सचर जो है वो भी रेडी हो गया था। तो बस उसको मैंने बना लिया था। अच्छा जी अब ये बन रही है चना चाट। चना चाट में मैंने लिए हैं खीरे, आलू लिए, टमाटर लिए, बंद गोभी ली, प्याज ली और मिंट लिया और लेमन लिए, और उसके अंदर मैंने डाली इमली और आलू बुखारे की चटनी। साथ इसमें मैं लेमन स्क्वीज़ करती जाऊंगी और बस इसके बाद जो है वो नमक और चाट मसाला ऐड कर दूंगी और बस चीज़ को मिक्स कर देंगे। तो जी हमारा जो है वो
मैंने इसके अंदर भी मिंट ऐड किया था कि मिंट की बड़ी प्यारी सी एक ना पुदीने की खुशबू होती है, तो बड़ा अच्छा सा एक ना फ्लेवर भी आ जाता है और एक खुशबू भी बड़ी प्यारी सी आ जाती है। तो बस इसके बाद जो है चना चाट में हम लोग ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स कर लेंगे। ये चना चाट भी रेडी हो गई है, तो बस मैंने इधर जो है वो फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी, पकौड़े रेडी होना करना स्टार्ट कर दिए थे ताकि जो है हम लोग मारना स्टार्ट कर दें, और साथ साथ ही जो है वो देग में से जो है चावल जो है वो ट्रेज में भी मारना स्टार्ट कर दिए थे। तो जी बस ये बैटर जो है ये हम लोग रेडी कर रहे थे, तो ये मारना स्टार्ट कर दिया हुआ था और यहाँ पर ख़त्म हो गई खाली है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सब में घरों में पास हर जगह जो था ना वो बांट दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और एंड पे बस ये हमारा फाइनल टचेस हो रहे थे किचन को, अब सारे के बाद जो है हम सारा कुछ समेट लिया था। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत होती है इसके ऊपर, बड़ी मेहनत होती है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फेमन अल्लाह।